प्रदेश के बाहर पूरे देश भर में इस परिवर्तन यात्रा को लेकर जाया जाए। इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा हम पिछड़े वर्ग के लोगों के द्वारा पूरे प्रदेश में और पूरे देश में निकाली जा रही है, तो इसके पीछे का कारण क्या है, ये जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देश को आजाद हुए 73-74 साल हो गए, और 73-74 साल की आजादी में इस देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती भी हुई, लेकिन जो हम पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनकी आबादी देश में 52 से 60% है, हम पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती आजादी के 73-74 साल में नहीं। एक इतना बड़ा समाज जिसकी आबादी देश में 52% है, 52% का मतलब यह है कि 50% से भी 2% ज्यादा है। 50% से 2% ज्यादा का मतलब यह है कि आधे से भी 2% ज्यादा है। लोकतंत्र में जिसको ज्यादा वोट पड़ता है वो अपनी सरकारें बनाते हैं, और वो तय करते हैं कि देश में क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन देश में हमारी आबादी ही आधे से 2% ज्यादा है, और अगर आज की तारीख में हमारी जनगणना किया जाए तो हमारी आबादी 60 से 65% हो सकती है। जो इतनी विशाल आबादी वाला समाज है, वो समाज देश के अंदर अधिकार वंचित है। लेकिन हर 5 साल बाद हम लोग भी वोट डालते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग वोट नहीं डालते, हर चुनाव में वोट डालते हैं, चाहे वो जिस प्रकार का चुनाव हो, हर चुनाव में हम लोग वोट डालते हैं। लेकिन हमारी किसी भी समस्या का समाधान आजादी के 73-74 साल में नहीं हो रहा है। जब देश में हमारी आबादी ज्यादा है, वोट का हमको भी अधिकार है, वोट भी हमारा ज्यादा है, फिर भी हमारी समस्याओं का समाधान देश में क्यों नहीं हो रहा है, इस बात को जानने और समझने की जरूरत। इसीलिए मैं कभी कभी कहता कि जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो दुनिया के 8वें अजूबे हैं। 7 अजूबे दुनिया में हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन 8वें अजूबे हम लोग खुद ही हैं। क्यों 8वें अजूबे? अरे देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट डालने का अधिकार है, हर बार हम वोट डालते हैं, लेकिन हम अपने मुद्दे को लेकर कभी वोट नहीं डालते और हमारी समस्याओं का कभी समाधान होता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम दुनिया के 8वें अजूबे हैं। और ये दुनिया के 8वें अजूबे हम क्यों बन गए? क्योंकि हम लोग ब्राह्मणों के गुलाम हैं। अब जब हम कहते हैं कि हमारे लोग ब्राह्मणों के गुलाम हैं, तो हमारे लोग क्या सोचते हैं? हमारे हाथ में तो हथकड़ी नहीं लगी है, हमारे पैर में तो बेड़ी नहीं लगी है, हमको रस्सी से तो बांधा नहीं गया है, तो फिर हम गुलाम कैसे? ऐसा हमारे लोग सोचते हैं। लेकिन साथियों, हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी और रस्सी से बांधने की जरूरत, जंजीरों में बांधने की जरूरत तो उसको पड़ती है जो दिमाग से आजाद हो। जो दिमाग से आजाद हो उसको बांध कर गुलाम बनाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो दिमाग से ही गुलाम है उसको बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोग गांव देहात के रहने वाले हैं, हम भी गांव देहात के रहने वाले हैं, आप लोगों के घरों में भी जानवर पाले जाते होंगे, हमारे घरों में भी जानवर पाले जाते हैं। आप जो भैंस जो गाय पालते हो अपने घर में, अगर उसकी रस्सी खोल दो तो क्या होगा, कितनी दूर जाएगी? ज्यादा से ज्यादा अगल बगल के खेत में जाएगी, अगल बगल के खेत में खाएगी, और खाने के बाद वापस आकर आपके खूंटे पर खड़ी हो जाएगी। ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी, आप उसकी रस्सी खोल दो तो इधर उधर खाने के बाद वापस आकर आपके खेत, आपके खूंटे पर खड़ी हो जाएगी। लेकिन जो योगी जी ने छुट्टा सांड छोड़े हुए हैं, अगर उनको पकड़ कर बांध दो तो या तो रस्सी तोड़ कर भाग जाएगा, या तो खूंटा उखाड़ कर भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा?
क्योंकि जो आपकी भैंस है, आपकी गाय है, वो आपकी मानसिक रूप से गुलाम हो गई है। वो इधर उधर टहलने के बाद वापस आकर खूंटे पर खड़ी हो जाएगी, लेकिन जो छुट्टा सांड है उसका दिमाग आजाद है, इसलिए उसको बांधने के बाद भी वो भाग जाता है। उसी प्रकार से जो हमारा समाज है वो मानसिक रूप से ब्राह्मणों का गुलाम है, वो अपने खूंटे पर ही चला जाता है, ब्राह्मण के खूंटे पर ही जाता है। कैसे जाता है? बच्चा हमारे लोग पैदा करते हैं और जब नाम रखने की जरूरत होती है तो खुद ही पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी को कहते हैं कि हमारे घर में बच्चा पैदा हो गया, क्या नाम रखे? तो पंडित जी किसी का नाम मिरहू रख देते हैं, किसी का नाम घुरहू रख देते हैं, किसी का नाम फेकू रख देते हैं, किसी का नाम बहाऊ रख देते हैं। निरहू घुरहू फेकू बहाऊ हमारा नाम रखते हैं, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं कि चौराहे पर बोलने में भी शर्म लगे, ऐसे ऐसे नाम रखते। और जब ऐसे नाम रखते हैं तो बताने में जब हमारे आदमी का मनोबल गिरता है तो वो हमारा मनोबल गिराने के लिए ही ऐसा नाम रखते हैं। क्यों? क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। मन से जो हार गया वो हार जाएगा, जो मन से जीत गया वो लड़ाई जीत जाएगा। तो हमारे लोगों के ऐसे ऐसे नाम रखते हैं, फिर भी हमारे लोग पूछने के लिए जाते हैं। अरे जब बच्चा पैदा कर सकते हो तो नाम भी रख सकते हो, लेकिन बच्चा तो पैदा कर लेते हैं, नाम नहीं रख पाते, नाम रखने के लिए पंडित के पास जाते। बच्चे को पढ़ा लिखा कर MBBS डॉक्टर बना लिया, लड़का भी MBBS डॉक्टर, लड़की भी MBBS डॉक्टर, लेकिन शादी तो कोई पोगा पंडित ही कराएगा। यादव कुर्मी कोयरी का कोई पढ़ा लिखा आदमी शादी नहीं करा सकता, शादी तो कोई पोगा पंडित ही कराएगा। और जब हमारे लोग घर बनाते हैं तो घर में पहले अपने माँ बाप को भी घुसने नहीं देते। अरे भाई, जिस माँ बाप ने पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, इस लायक बनाया कि हम अच्छे घर बना लें, तो कम से कम अगर गृह प्रवेश अपने माँ बाप से करा लो तो भी बहुत अच्छी बात हो जाए। लेकिन अपने माँ बाप से गृह प्रवेश नहीं कराते, किसी न किसी पोगा पंडित को बुला करके गृह प्रवेश कराने का काम करते। जब हमारे घर में कोई आदमी मर जाता है तो हमारा आदमी दौड़ा दौड़ा पंडित जी के पास में जाता है और पंडित जी को पूछता है कि हमारे पिताजी तो चले गए, उनकी आत्मा को शांति मिली कि नहीं मिली। अब अगर पंडित ये कह दे कि तुम्हारे पिताजी की आत्मा को शांति मिल गई तो पंडित की रोजी रोटी बंद है। ज्योतिबा फूले कहते हैं, जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं है धंधा है, वैसे कर्मकांड कराना ब्राह्मण का धर्म नहीं है धंधा है। धंधा है क्योंकि नाम बगैर पैसा लिए नहीं रखता, शादी विवाह बगैर पैसा लिए नहीं कराता, गृह प्रवेश बगैर पैसा लिए नहीं कराता। जिंदा तो खाता ही खाता है, मरने के बाद भी खाता है। जब हमारा आदमी पूछता है कि पिताजी की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, तो ब्राह्मण कहता है 11 ब्राह्मणों को खिलाना होगा, 21 ब्राह्मणों को खिलाना होगा, 51 ब्राह्मणों को खिलाना होगा, 101 ब्राह्मणों को खिलाना होगा, 501 ब्राह्मणों को खिलाना होगा, 1001 ब्राह्मणों को खिलाना होगा। कभी कभी तो इतने ब्राह्मण खिलाने के लिए बोल देते हैं कि जितना इलाके में ब्राह्मणों की संख्या ही नहीं है, उतने ब्राह्मण ढूंढने पड़ते हैं। हमारा आदमी परेशान हो जाता है कि इतना ब्राह्मण ढूंढ करके कहाँ से लाएं खिलाने के लिए। और फिर बिस्तरा भी देना होगा, तुम्हारे घर में जो गाय है वो भी दान कर दो, पिताजी को दूध मिलेगा। तो बेवकूफ बनाने की भी कोई लिमिट होनी चाहिए, लेकिन जब हमारे लोगों ने बेवकूफ बनने की ही कोई लिमिट नहीं रखा तो वो बनाने की लिमिट क्यों रखे? जब हम लोग अनलिमिटेड बेवकूफ बनने के लिए तैयार हैं तो अनलिमिटेड बेवकूफ बनाने के लिए तैयार है। अब ब्राह्मण जबरदस्ती थोड़ा ही करते हैं, हमारे कान कनपटी पर पिस्टल थोड़े लगाया हुआ है, तुम नाम हमसे रखाओ, शादी विवाह हमसे कराओ, पिस्टल तो लगाया नहीं। लेकिन हम ही मानसिक गुलाम हैं, जैसे गाय भैंस हमारे खूंटे पर खा के खड़ी हो जाती है, वैसे हम हर काम के लिए ब्राह्मण के खूंटे पर जाकर खड़े हो जाते हैं। तो हमारे लोग मानसिक गुलाम हैं, और जब हमारे लोग मानसिक गुलाम हैं तो बटन चुनाव में हाथ दबाता है कि दिमाग दबाता है? अरे दबाता तो हाथ ही है, लेकिन दिमाग जिसको बोलेगा उसी को ना बटन दबेगी।
जब हमारे लोगों के दिमाग पर ब्राह्मणों का कब्जा है तो बटन भी जब दबती है तो उन्हीं के फेवर में दबती है, और इसकी वजह से ब्राह्मणों की आबादी देश में 3.5% है। अपने वोट के आधार पर वो गांव में पंच और सरपंच का चुनाव नहीं जीत सकते। जो ब्राह्मण अपने वोट के आधार पर गांव में पंच और सरपंच का चुनाव नहीं जीत सकते, वो ब्राह्मण देश और प्रदेश की पंचायत पर कब्जा कर रहे हैं और पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार वंचित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों को यह बात समझना हो। पिछड़े वर्ग के लोगों को ब्राह्मण क्या कहते? हम भी हिंदू, तुम भी हिंदू, गर्व सिखाओ हम हिंदू हैं। और एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, इसलिए सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ। 3 समय में बहुत पक्के वाले हिंदू होते हैं। जब मुसलमानों से लड़ना हो तो हम अव्वल दर्जे के हिंदू हैं, जब वोट डालना है तब हम और अच्छे वाले हिंदू हैं, और जब चंदा देना है तब भी हम बढ़िया वाले हिंदू। लेकिन जब हमारे हक अधिकार की लड़ाई आती है तब हम हिंदू नहीं होते हैं, तब हम ओबीसी एससी एसटी हो जाते हैं, तब हमको कोई हक अधिकार नहीं मिलता है। 16 नवंबर 1992 को जब मंडल कमीशन का फैसला आया, 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण मिला, और 27% में क्रीमी लेयर लगा दिया गया। क्रीमी लेयर का ये मतलब है कि जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा, और जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा क्योंकि वो चना खा नहीं सकता। तो जो ओबीसी के लोग अपने बच्चे को महीन एजुकेशन में पढ़ाने में सक्षम हैं, उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, और जो पढ़ा ही नहीं सकते वो रिजर्वेशन के दायरे में तो रहेंगे लेकिन जब पढ़ा ही नहीं पाएंगे तो आरक्षण का लाभ कहां से मिले। अगर हमारे लोग ब्राह्मणों के मानसिक गुलाम नहीं होते, ब्राह्मणों के झांसे में नहीं पड़े होते, तो हमारे लोगों को ये बात समझ में आती कि अरे भाई, जब शेड्यूल कास्ट की जितनी संख्या है उतना आरक्षण है, आदिवासी की जितनी संख्या है उतना आरक्षण है। इसका मतलब ये है कि संविधान संख्या के सिद्धांत को मानता है, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना आरक्षण मिलना चाहिए। तो हम पिछड़े वर्ग के लोग भी सोचते, जब हमारी आबादी देश में 52% है तो हमको भी 52% हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन हमारी आबादी 52% और हमको आरक्षण 27%, ऐसा क्यों? अगर ऐसा हमारे लोग सोचते तो अयोध्या नहीं जाते, फिर कहां जाते? दिल्ली जाते, और दिल्ली की संसद को घेर लेते, और संसद को घेर कर कहते, जब एससी की संख्या के अनुपात में एससी को आरक्षण है, आदिवासी की संख्या के अनुपात में आदिवासी को आरक्षण है, तो हम पिछड़े वर्ग के लोगों को भी संख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए, और अगर दिल्ली हमारे लोग घेर लेते तो हमको हमारा हक अधिकार मिल गया होता। लेकिन ब्राह्मणों ने सोचा, ये दिल्ली घेरने की सोचे इसके पहले इनको अयोध्या भेज दो। इसलिए वो हमारे गली मोहल्ले में आए और कहा कि बाबरी मस्जिद में जहां राम जी पैदा हुए हैं वहां हम तुम्हारे राम का मंदिर बनाना चाहते हैं। कहां पर? बाबरी मस्जिद में जहां राम जी पैदा हुए वहां हम तुम्हारे राम का मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान लोग बनने नहीं देना चाहते, चलो अयोध्या। हमारे लोगों ने सोचा, मुसलमान बनने नहीं देना चाहते राम जी का मंदिर, तो चलो क्योंकि हमारे लोग हमारे हैं, मगर हमारे लोगों के दिमाग पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है, तो जैसा ब्राह्मण सोचवाता है वैसा हमारे लोग सोचते हैं, तो हमारे लोग चले गए अयोध्या। जो हमारे साथ मंडल कमीशन में धोखेबाजी हुई उसके खिलाफ नहीं लड़े और अयोध्या मस्जिद गिराने चले गए। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी। विनय कटियार को आगे किया गया, कल्याण सिंह को आगे किया गया, उमा भारती को आगे किया गया, प्रवीण तोगड़िया को आगे किया गया, तमाम पिछड़े वर्ग के नेताओं को आगे करके 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। हमारे लोगों को बताया गया कि हमने तो मुसलमानों का किला ढहा दिया। अरे कितना बड़ा किला ढहा दिया! एक ऐसी मस्जिद गिराई जिसमें मुसलमान नमाज ही नहीं पढ़ते थे, ऐसी मस्जिद गिराई, तो कितना बड़ा किला ढहा दिया।
मुसलमानों के पास तो लाखों मस्जिदें हैं, देश में नमाज पढ़ने की कमी नहीं है, मुसलमानों का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हम पिछड़े वर्ग के बच्चों को जो लाखों नौकरियां मिलने वाली थी, वो लाखों नौकरियों पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। नुकसान मुसलमानों का नहीं हुआ, नुकसान हमारा हुआ, लेकिन हमारे लोगों को ब्राह्मणों ने बताया कि मस्जिद गिराकर मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, मुसलमान का नुकसान नहीं, नुकसान हमारा हुआ। और अभी मंदिर के समर्थन में फैसला आ गया, नरेंद्र मोदी जो अपने को पिछड़े वर्ग का कहते हैं, उन्होंने ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट में एक भी पिछड़े वर्ग के आदमी को नहीं रहा। अरे चलो भाई, दूसरे सारे पिछड़े वर्ग के लोग खराब वाले हिंदू होंगे, बाकी पिछड़े वर्ग के लोग खराब वाले हिंदू होंगे, लेकिन विनय कटियार तो बढ़िया वाले हिंदू है ना, कल्याण सिंह तो बढ़िया वाले हिंदू हैं, प्रवीण तोगड़िया तो बढ़िया वाले हिंदू हैं, उमा भारती तो बढ़िया वाले हिंदू हैं, उनको ही रख लेते, हमारे दूसरे लोगों को नहीं रखते जिनका इस्तेमाल करके मस्जिद गिरवाया, कम से कम उनको ट्रस्ट में रख लेते, लेकिन उनको भी रखने का काम नहीं। हम लोग तो पहले से ही कह रहे हैं कि पिछड़े वर्ग के लोगों, तुम कितना भी मंदिर की लड़ाई लड़ लो, लेकिन जब मंदिर बनेगा तो तुमको घंटा बजाने के लिए भी ब्राह्मण रखने वाले नहीं हैं। और वही हुआ, घंटा बजाने के लिए भी ट्रस्ट में हमारे लोगों को रखा नहीं, ट्रस्ट में हमारे लोगों को नहीं रखा। लेकिन चंदा मांगना है तो हमारे आपके बीच में जरूर आते हैं, सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग के घरों में आते हैं, तो हाथ जोड़कर निवेदन करना है कि भाई साहब, अगर हमारे किसी समाज के किसी भाई बंधु को ट्रस्ट में रखा हो तो चंदा ले जाओ, और अगर नहीं रखा तो जिनको रखा है चंदा भी उन्हीं से ले लो, जब ट्रस्ट में हमारी जरूरत नहीं है तो चंदे में हमारी क्या जरूरत है, चंदा भी उन्हीं से ले लो। लोकतंत्र में बोली नहीं चलती है, बोली चलती है, और जिसको अपनी बोली बोलना आता है वो देश का हुक्मरान बनता है। हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि सुनते पंडित की है, बोलते पंडित की बात है, तो समाधान हमारी समस्याओं का कहां से हो। हम सुनते भी उसी के हैं, बोलते भी उसी के हैं, तो हमें अपनी बोली बोलना पड़ेगा, और जब हम अपने हक अधिकार की बोली बोलेंगे तो हमारी संख्या ज्यादा है, हमारी समस्याओं का समाधान होगा, इसलिए हमें अपनी बोली बोलने की जरूरत है। आज हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर या तो धर्म का नशा चढ़ा, या तो जाति का नशा चढ़ा, हर जाति अपनी कॉलर टाइट रखती है, हम ही बड़े, यादव अपने को बड़ा मानता, कुर्मी अपने को बड़ा मानता, कोयरी अपने को बड़ा मानता, पाल अपने को बड़ा मानता, निषाद अपने को बड़ा मानता है, हर बिरादरी अपने को बड़ा मानती है। और जब हर बिरादरी अपने को बड़ा मानती है, मगर ब्राह्मण से बड़ा अपने को कोई नहीं मानता, केवल यादव कुर्मी से बड़ा मानता, कुर्मी यादव से बड़ा मानता, मौर्या यादव कुर्मी से बड़ा मानता, निषाद कहता भगवान की नैया पार किए हम तो सबसे बड़े, विश्वकर्मा कहता हम तो साक्षात विश्वकर्मा भगवान के वंशज हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जाति के नाम पर जो हम लोग गर्व भाव गौरव भाव पैदा कर रहे हैं, इसकी वजह से हम मिलजुल कर लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। देश में ओबीसी की संख्या 52 से 60% है, लेकिन जो 52 से 60% ओबीसी समाज है वो अलग अलग जातियों में बटा हुआ है। किसी को यादव होने पर गर्व है, किसी को कुर्मी होने पर गर्व है, किसी को कोयरी होने पर गर्व है, हम अलग अलग गर्व कर रहे हैं। किसी भी एक जाति की संख्या 52% नहीं है, यादव की संख्या 52% नहीं है, कुर्मी कोयरी किसी भी जाति की संख्या 52% नहीं है। जब हम अपने को ओबीसी मानेंगे तब हमारी संख्या 52% होगी। तो जो हम 52% के लोग हैं, जब हम अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं तो हम 52% कैसे होंगे, और जब हम 52% नहीं होंगे तो हमारे हक अधिकार की लड़ाई कैसे होगी, हम बहुसंख्यक कैसे होंगे। तो इसलिए हमारे हक अधिकार की लड़ाई नहीं हो पा रही है। एक एक उंगली से किसी को मारो तो उसको चोट नहीं लगेगी, उंगली टूट जाएगी, लेकिन अगर इकट्ठा करके मारो तो उसकी बतीसी बाहर आ जाएगी। तो एकता में ताकत है, एकता में शक्ति है। संविधान हमें ओबीसी मानता है, संविधान हमें पिछड़ा मानता है, लेकिन हम अपने को ओबीसी कम मानते हैं। हम तो अपने को यादव कुर्मी कोयरी मानते हैं, अहीर गड़ैया मानते हैं, हम अपने को ओबीसी नहीं मानते, और इसलिए हमारी ताकत नहीं बन रही।
और जब हम अपने को बिरादरी मानते हैं तो बिरादरी का नेता ढूंढते हैं, संविधान में अधिकार मिला ओबीसी के नाम पर और नेता चाहिए जाति के नाम पर, तो सत्यानाश तो होगा ही होगा। नेता जब जाति के नाम पर चाहिए तो सत्यानाश होगा, और इसलिए जाति का नेता अपनी जाति में आता है। और जब जाति का नेता अपनी जाति में आता है तो क्या कहता है अपनी जाति के लोगों को, कहता है सारी जाति के लोग आगे चले गए, बस अपनी जाति के लोग बचे हुए हैं, इसलिए इकट्ठा हो जाओ। तो जाति का आदमी सोचता है यार हमारी बिरादरी का नेता आया है तो इसके पीछे इकट्ठा हो जाते हैं, जब उसके पीछे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो सोनिया गांधी के पास जाता है, बोलता हमारे पीछे इतने लोग इकट्ठा है कितना दे रहे हो, सोनिया गांधी रेट कम लगाती है तो अमित शाह के पास चला जाता है और कहता हमारे पीछे इतने लोग इकट्ठा हैं, सोनिया गांधी रेट थोड़ा कम लगा रही थी, अगर आप थोड़ा ज्यादा लगाओ तो आपके साथ खड़े हो जाते। तो बात यह होती है कि आप तो उसे अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए नेता बनाते हो, लेकिन वो आपका सौदा कर लेता है, जैसे भेड़ का मालिक भेड़ को बेच देता है वैसे बिरादरी का नेता बिरादरी को बेच देता है। भेड़ का मालिक जब भेड़ को बेचता है भेड़ को पता नहीं चलता, और बिरादरी का नेता जब बिरादरी को बेचता है तो बिरादरी को पता नहीं चलता, और परिणाम क्या होता है, परिणाम ये होता है वो नेता छोटी गाड़ी से चल रहा होता है तो बड़ी गाड़ी से चलने लगता है, एमपी नहीं होता तो एमपी हो जाता है, एमएलए नहीं होता तो एमएलए हो जाता है, मिनिस्टर नहीं होता तो मिनिस्टर हो जाता है, लेकिन बोलना बंद कर देता है, मुंह पर टेप लगा लेता है बोलना, क्योंकि सौदा ही इसीलिए होता है कि तुमको विधायक बनना हम बनाएंगे, तुमको सांसद बनना हम बनाएंगे, तुमको मंत्री बनना हम बनाएंगे, तुम्हारे दो चार आदमी को और बनाना है हम बनाएंगे, लेकिन समाज के बारे में मत, समाज के बारे में बोलोगे तो सौदा कैंसिल हो जाएगा, समाज के बारे में मत बोलना। तो ये सौदा जो हो रहा है बिरादरी के नेताओं के द्वारा, इसकी वजह से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। तो इसलिए साथियों हम लोगों को जाति से ऊपर उठना पड़ेगा, धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा, और जाति धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर अपने हक अधिकार की लड़ाई को हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, अपने हक अधिकार की लड़ाई को हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। अभी 2014 में नरेंद्र मोदी आए और नरेंद्र मोदी कहने लगे, क्या कहने लगे, हम पिछड़ी जाति के हैं, हम चाय बेचने वाले हैं, हम गरीब हैं। हमारे लोगों ने सोचा नरेंद्र मोदी पिछड़ी जाति के हैं, चाय बेचने वाले हैं, गरीब हैं, अगर उनको वोट देंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। फिर कहा कि 15-15 लाख खाते में आएंगे, काला धन वापस लाऊंगा, तो हमारे लोगों ने सोचा ये तो कोई महात्मा आदमी है जो ऐसी बात कर रहा है, अमीरों का धन लाएगा और गरीबों में बांटेगा। तो हमारे लोगों ने क्या किया, हमारे लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। और जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो 314 ओबीसी के बच्चों को जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे उनकी नियुक्ति को रोकने का काम किया, जानवरों की गिनती का आदेश दिया मगर ओबीसी की गिनती का आदेश नहीं दिया, ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप लगभग बंद कर दिया, ओबीसी को बजट में हिस्सा नहीं दिया, और जो नीट की परीक्षा जो मेडिकल टेस्ट हो रहा राष्ट्रीय लेवल पर उसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया। नतीजा ये हो गया कि ओबीसी के बच्चे ज्यादा नंबर लाकर एमबीबीएस नहीं कर पा रहे हैं और जनरल कास्ट के बच्चे उनसे कम नंबर ला करके वो एमबीबीएस कर रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी पर हमारे लोगों ने विश्वास किया, लेकिन नरेंद्र मोदी हमारे विश्वास पर खरे नहीं उतरे और नरेंद्र मोदी ने हमारे साथ विश्वासघात करने का काम किया। तो इसलिए हम लोगों को इस बात को जानने और समझने की जरूरत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी मुख नहीं है, मुखौटा है। आरएसएस के लोगों ने नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाया ताकि पिछड़े वर्ग के लोगों का वोट लिया जा सके, और पिछड़े वर्ग के लोगों का वोट लेने के लिए आरएसएस ने जो नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाया और हमारे लोग उस जाल में फंस गए, आज नरेंद्र मोदी ने कसम खा लिया। क्या कसम खा लिया है, देश नहीं बिकने दूंगा मगर देश में कुछ भी नहीं बचने दूंगा जो अडानी और अंबानी को ना दे दूं।
इसलिए सारी तेल कंपनियां बेची जा रही है, इसलिए रेलवे बेचा जा रहा है, इसलिए बीएसएनएल बेचा जा रहा है, इसलिए सारे विभागों का निजीकरण किया जा रहा है, सारी कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है। आने वाले समय में ऐसा खोजना पड़ सकता है कि भारत के अंदर भारत कहां है। पूरे भारत पर अडानी और अंबानी का कब्जा कराने की तैयारी चल रही है। अभी किसानों की जो जमीन है, किसानों की जमीनों पर पूंजीपतियों का कब्जा करवाने के लिए तीन काले कानून लाए गए हैं, और उन तीन काले कानूनों के माध्यम से किसानों की जमीन पर भी अडानी और अंबानी का कब्जा होगा। और जब अडानी और अंबानी का कब्जा होगा तो किसान अपने ही खेत में मजदूर हो जाए। मजदूर पहले से ही मजदूर है, किसान भी अपने खेत में मजदूर हो जाएगा। और जब किसान भी मजदूर हो जाएगा, मजदूर पहले से मजदूर है, तो मजदूरी का घंटा बढ़ाकर 8 से बढ़ाकर 12 घंटे करने सरकार जा रही है। 8 घंटे की नौकरी नौकरी होती है, 12 घंटे की नौकरी गुलामी होती है। आपकी आने वाली नस्लों को, आपकी आने वाली जनरेशन को अडानी और अंबानी का गुलाम बनाने की तैयारी चल रही है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ये यात्रा लेकर के निकला है कि देश में परिवर्तन की जरूरत है। हमें अपने सोचने समझने के तरीके में परिवर्तन करने की जरूरत है। जाति धर्म क्षेत्र से ऊपर उठने की जरूरत है। और जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़े वही हमारा नेता होगा, इस बात को तय करने की जरूरत है। और इस देश के अंदर जो साजिश चल रही है देश को बेचने की, उसको रोकने के लिए पिछड़े वर्ग के लोगों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमारी आबादी देश में 52% है, ज्यादा आबादी है। तो हमारी जिम्मेदारी है, आपको यह तय करना है कि आप अपनी आने वाली नस्लों को अडानी अंबानी का गुलाम बनाना चाहते हो या देश का हुक्मरान बनाना चाहते हो। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ये तय करके निकला है कि हमारी आने वाली नस्लें इस देश का हुक्मरान बनेगी, अडानी अंबानी का गुलाम नहीं बनेगी। क्योंकि जब देश पर हमारे पुरखों का राज था तो भारत विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया था, और भारत में पूरी दुनिया के लोग पढ़ने के लिए आते थे। दोबारा वो गौरवशाली भारत बनाने की लड़ाई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा लड़ रहा है, और इसलिए पूरे देश और प्रदेश में परिवर्तन यात्रा चलाकर हम पिछड़े वर्ग के लोगों को जागृत और संगठित करने का काम कर रहे हैं। आखिरी बात, नरेंद्र मोदी जी किसानों के खिलाफ कानून बना रहे हैं, मजदूरों के खिलाफ कानून बना रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं, मशीन से चुनाव जीत जाएंगे, ये नाराज हो जाएंगे तो नाराज हो जाए। तो इसलिए साथियों, हम लोगों को ईवीएम की भी लड़ाई, ईवीएम से भी लड़ना पड़ेगा। और ईवीएम की वजह से जो बदमाश पैदा हो रहे हैं, उन बदमाशों को अभी बंदोबस्त आने वाले समय में हमको करना होगा। आने वाले समय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा पूरे देश में 1,00,000 सेंटर पर तैयारी कर रहा है, और बहुत बड़ा जन आंदोलन आने वाले समय में पूरे देश भर में किया जाएगा और इंसाफ कायम किया जाएगा। इंसाफ क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये इंसाफ है। आज 3.5% के लोग 80% नौकरियों पर कब्जा किए हैं, ये इंसाफ नहीं है, ना इंसाफी है। ब्राह्मणों की संख्या 3.5%, कब्जा 80% नौकरियों पर, ये ना इंसाफी है। हम बहुत दिन से कह रहे हैं कि हमारे साथ न्याय करो, मगर वो न्याय नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने थाना है, न्याय वो नहीं करेंगे, न्याय हम करेंगे। जब 3.5 को 3.5 देंगे तब न्याय होगा। अभी 3.5 80% पर काबिज है तो अन्याय है, 3.5 को 3.5 देंगे तो न्याय होगा। ये इंसाफ कायम करने की लड़ाई है। 3.5 को 3.5 और 52 को 52 मिलेगा। मुसलमान की जितनी आबादी है उसको मिलेगा, सिख की जितनी आबादी उसको भी मिलेगा, जिसकी जितनी संख्या उसको उतना हिस्सा। ये इंसाफ इस देश में कायम होगा। इस लड़ाई में आप लोग साथ सहयोग देंगे, इसी आशा विश्वास के साथ आप सभी लोगों ने मुझे ध्यान पूर्वक धैर्य पूर्वक सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।